Assertion reason type questions for class 10 chapter polynomials. The directions for this type of questions. In the following questions, a statement of assertion A is followed by the statement of reason R. Mark the correct choice, as the correct choices are A, B, C and D. The A is the both assertion and reason R are true, and reason R is a correct explanation of assertion A. It means dono hi cheez theek hai. और लेकिन आर जो है वो उसका करेक्ट रीजन है, ठीक है. दूसरा, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो रीजन है वो उससे रिलेटेड नहीं है तो वो ऑप्शन होगा बी. सी ऑप्शन, द एजर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. मतलब एजर्शन पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन उसका फॉल्स है. और डी ऑप्शन हम लोग कब चूज करेंगे, जब एजर्शन ए फॉल्स है लेकिन जो रीजन है, रीजन वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है. तो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको उनमें से चूज करने हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजर्शन दिया हुआ है 9x^4 प्लस 8x³ प्लस 4x प्लस 1 इज ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स द हाइएस्ट पावर इज 4. द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सही है दोनों चीज, ये एक बाइक्वाड्रेटिक है और जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट मीन्स बोथ आर राइट. तो विच ऑप्शन इज ए. ओके, सेकेंड, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x कट्स द एक्स एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स. तीन पॉइंट पर काटता है. एक्स क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. रीजन है द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस एट मोस्ट थ्राइस. कम से कम मैक्सिमम वो तीन ही जगह पर काट सकता है. तो यानी रीजन भी सही है और एजर्शन भी सही है. इसका मतलब फिर हमारा ऑप्शन होगा ए, यानी ये इसका करेक्ट रीजन है. क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट सकता है मैक्सिमम, जितनी उसकी हाइएस्ट पावर है यानी डिग्री. ओके, थर्ड क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज वन रियल जीरो. द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज वन रियल जीरो हो सकता है. द पॉलिनोमियल nth डिग्री हैज एट मोस्ट n जीरोस. ये भी दोनों ठीक है, ठीक है. दोनों स्टेटमेंट भी सही है, मतलब एजर्शन का स्टेटमेंट सही है और रीजन भी उसका वैलिड है. तो यहां भी इसका राइट ऑप्शन ए. फोर्थ, ए मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 एंड माइनस 3 एज जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले हम चेक करेंगे कि 5 एंड माइनस 3 इसके जीरोज हैं या नहीं, तभी हम कह पाएंगे एजर्शन ठीक है. तो हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 3 सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 3. देखिए तो इसके दो जीरोज निकलेंगे, x माइनस 5 एंड x प्लस 3. तो हम इसको करेंगे, यानी 5 और माइनस 3 जीरोज हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, यानी ये ट्रू है, यानी ये इसके जीरोज हैं. एजर्शन इज राइट. नाउ रीजन, द मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा बीटा एज जीरोज इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ओके, करेक्ट. ये तो इसका रीजन वैलिड है क्योंकि हम लोग इसी मेथड से इसको हम निकालते हैं. तो एजर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट, इसका वैलिड रीजन है. तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस qx माइनस r एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड 2q इक्वल टू r. अब हमको चेक करना है कि एजर्शन ठीक है या नहीं. कैसे चेक करेंगे, पहले यहां पर अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो दिया है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, माइनस b बाई ए, यानी इट मीन्स इट इज 2. माइनस b बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बाई 1 यानी माइनस 2, यानी ये जीरो है. प्लस गामा इक्वल टू 2 यानी गामा इक्वल टू 2.
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अब हमको निकालना है 2q + 2q = r है या नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी माइनस डी कितना है, माइनस आर, ये कितना हो गया आर, ओके. अब गामा इक्वल टू टू है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टू गामा यानी अल्फा बीटा इक्वल टू आर बाई टू, ओके. अल्फा बीटा अगर हम लोग गामा की जगह टू पुट करेंगे तो अल्फा बीटा क्या हो गया, आर बाई टू. और हम जानते हैं ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा बीटा हो गया आर बाई टू. और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कॉमन गामा, गामा कॉमन हो गया, इक्वल टू सी बाई ए. अब यहां से सी बाई ए क्या होगा, क्यू, सी क्या है, क्यू, और ए है वन, यानी क्यू. तो ये पार्ट तो जीरो, अल्फा प्लस बीटा जीरो है, तो यहां से क्या आएगा, आर बाई टू इक्वल टू क्यू, यानी क्यू आर इक्वल टू टू क्यू, ठीक है, आर इक्वल टू टू क्यू, यानी ये स्टेटमेंट, एजर्शन का स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों ही चीज ट्रू है. अब देखिए रीजन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी रीजन भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी सही है, सेम यही होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए. और ये इसका वैलिड रीजन भी है, क्योंकि हम लोग जो एजर्शन को पूरा सॉल्व किससे किए, इसी रीजन से ही किए, ट्रू. क्वेश्चन नंबर सिक्स, एजर्शन दिया हुआ है 2 - √3 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी 2 + √3. अगर एक जीरो 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3. इरेशनल जीरोज ऑलवेज अकर इन पेयर, यस इट इज ट्रू, दोनों ही चीजें ट्रू हैं, ये इसका वैलिड रीजन है, क्योंकि इरेशनल जीरोज हमेशा पेयर्स में ही आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही रीजन वैलिड है, और मतलब दोनों ही स्टेटमेंट वैलिड है, और ए का करेक्ट रीजन है. सेवेंथ, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्लियरली ट्रू, भाई जीरो की डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, और डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये जो है ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन क्यों है भाई, जीरो का जीरो नॉट डिफाइंड है, ये इसका वैलिड रीजन नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी. बी ऑप्शन क्या था, कि डिग्री आपका एजर्शन तो भी सही है, ट्रू रीजन भी सही है, लेकिन ये इसका वैलिड रीजन नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा बी. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एजर्शन ए, इफ बोथ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 2kx + 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/2. पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर दो इसके वो हैं जीरोज अल्फा एंड बीटा, और ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट इन साइन है, तो k की वैल्यू 1/2 होगी. तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अगर ये दोनों अपोजिट इन साइन, एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, तो माइनस बी बाई ए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2k / 1. अब ये तो जीरो हो गया, 2k = 0 यानी k = 0, ये रीजन हमारा हो गया फॉल्स, एजर्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, फॉल्स, ये स्टेटमेंट ही गलत है. नेक्स्ट रीजन है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c = -b/a, यानी हमारा क्या है, ये ट्रू है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये ट्रू है और पहला फॉल्स है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रीजन लेके चलते हैं, डी, कि एजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन आएगा डी. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/4, 1/4 रेस्पेक्टिवली, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सो देखिए क्या बनेगा हमारा पॉलिनोमियल, x² - सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये क्या बन जाएगा, 4x² + x
प्लस वन. ओके, अब रीजन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. ये तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं. पहला वाला भी सही है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है. दूसरा दोनों ही ट्रू है, तो इसमें इट मीन्स ऑप्शन ए ट्रू है और इसका वैलिड रीजन यही है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, पी एक्स इक्वल टू 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x⁴ प्लस 7x माइनस 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. रॉन्ग, हाईएस्ट पावर यहां 4 है, तो डिग्री क्या होगी 4, यानी पहला ही ये फॉल्स है. अब इसका रीजन देखते हैं. द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल पी एक्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ये सही बात है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है. तो ये कौन सा रीजन इसमें आएगा, डी. क्यों आएगा, क्योंकि एजर्शन फॉल्स है और रीजन वैलिड है, सही है, यानी ऑप्शन डी. ओके, थैंक यू. दिस इज अ वर्कशीट रिलेटेड टू द एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस.